यूपी विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। मौजूदा सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र है, जहां पहले दिन सीएम अखिलेश यादव अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही 2017-18 के वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट व लेखा अनुदान भी पेश होगा। विधानसभा में 16,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, 40,000 करोड़ का लेखा अनुदान पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यूपी के इलाहाबाद को 3,173 करोड़ 91 लाख की 3 बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलाहाबाद में इसका ऐलान किया। इस दौरान गडकरी ने वाराणसी से हल्दिया तक 4,000 करोड़ की लागत से बनने वाले जल मार्ग का इलाहाबाद तक विस्तार करने का भी ऐलान किया है। गडकरी ने 599 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली इलाहाबाद प्रतापगढ़ NH-96 के 4 लेन का भी शिलान्यास किया। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने इलाहाबाद मंडल के 6 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग ने इस दौरान सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही शराब और नोट के इस्तेमाल पर पाबंदी के भी निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग इसी महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इलाहाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में SP नेता अतीक अहमद की परेशानी बढ़ सकती है। इलाहाबाद पुलिस ने मामले में अतीक और उसके 3 साथियों के अस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही लापरवाही के आरोप में CO का तबादला और 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस घटना के दिन के वीडियो फुटेज की भी जांच कर रही है। इससे पहले मामले में अतीक समेत 60 लोगों के खिलाफ डकैती और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। UPSTF और आयकर विभाग की टीम ने लखनऊ के गोमती नगर से 5 लोगों को कैश के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से 17,74,000 रुपए की नई करेंसी बरामद की गई है। आरोपियों में 3 पूर्व बैंक कर्मी भी शामिल हैं, जबकि मुख्य आरोपी इंफ्राटेक का दफ्तर चलाता है। मामले में केस दर्ज कर आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है।